हेलो फ्रेंड्स, AIS एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे FST 01, जो कि BA BDP का सेकंड ईयर का कंपलसरी सब्जेक्ट है, फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी 01 का, जो जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन भी सितंबर अक्टूबर में जो कंडक्ट किया गया था, उसका जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा। सभी के करेक्ट आंसर्स आपको बताऊंगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सभी आंसर्स पूरे करेक्ट आप लोगों तक पहुँच सके। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें और अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये सेशन मैं हिंदी में कवर करूंगा क्योंकि FST के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी में हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए, रिक्वेस्ट भी आई थी, तो उसी के लिए हम ये कर रहे हैं सॉल्व। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जिससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, जो भी स्टूडेंट्स हमारा चैनल AIS एजुकेशन पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि इग्नू से जुड़े अपडेट्स और क्लासेज आप लोगों तक पहुँच सकें। तो अभी पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से खगोल शास्त्री वराहमिहिर द्वारा लिखा गया दिया गया कथन कौन सा है? इसका आंसर है, इन्होंने कथन दिया था, पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य चंद्र और ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। तो ये कथन खगोल शास्त्री वराहमिहिर द्वारा दिया गया था, तो ये सही उत्तर आपका थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर दो, विज्ञान का इतिहास है, तो इसमें आपका सही उत्तर है, विज्ञान और समाज की पारस्परिक क्रियाओं और प्रत्येक पर उनके प्रभावों की कहानी ही विज्ञान का इतिहास है। ऑप्शन थ्री आपका सही है। मैं सही उत्तर केवल डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खंड प्रसिद्ध भास्कर 2 1114 ईस्वी द्वारा लिखे सिद्धांत शिरोमणि का भाग नहीं है? तो इसका भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है, सांख्य दर्शन है। और जैसा कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड है इसलिए वो क्लियर नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंटिंग होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से चुनकर कथन के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, प्रभावशाली सामाजिक दल आविष्कारों का उपयोग समाज में अपनी स्थिति फिल इन द ब्लैंक्स अथवा फिल इन द ब्लैंक्स स्थापित करने के लिए करते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रभावशाली सामाजिक दल आविष्कारों का उपयोग समाज में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने तथा अथवा आधिपत्य स्थापित करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो इसमें विज्ञान तर्क पर आधारित होती है, परिवर्तन के लिए तैयार होती है, नए ज्ञान का सर्जन होता है। पहले तीनों तो सही है, लेकिन निजी श्रद्धा और विश्वास का अत्यधिक महत्व, ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका उत्तर होगा, क्योंकि यही एक विशेषता जो विज्ञान के विषय से संबंधित नहीं है, बाकी ऊपर की तीनों विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आदिम जीवन के उपयोगों भाषा के गुणों ने विज्ञान के उद्भव में सहायता करने वाले कथन हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें पहला है, भोजन प्राप्त करने अथवा इधर उधर घूमने में विचारों का आदान प्रदान करना, भौतिक पदार्थों क्रियाओं और व्यवहार का वर्णन करने में चिन्हों का प्रयोग, औजारों के निर्माण और उपयोग अथवा अतिरिक्त भोजन के विनियमन में आदान प्रदान, चौथा है, भावनाओं को व्यक्त करने नृत्य पूजा आदि में चिन्हों का उपयोग। तो इसमें चौथा है वो आपका आंसर होगा, इसमें यही कथन गलत है। आदिम जीवन में पहले तीनों ऑप्शन तो आदिम जीवन के हिसाब से करेक्ट है, लेकिन जो गलत कथन पूछा है तो आंसर नंबर 6 का 4 आपका होगा, भावनाओं को व्यक्त करने नृत्य पूजा आदि में चिन्हों का उपयोग इसका आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कृषि क्रिया की शुरुआत कब हुई थी? तो कृषि क्रिया की शुरुआत कांस्य युग से हुई थी। ये क्वेश्चन FST के जो हर चैप्टर में क्वेश्चन है उसमें भी दिया गया है, कांस्य युग से कृषि क्रिया की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित कारणों में से कांस्य युग के पतन का गलत कारण कौन सा है? प्रश्न जरूर ध्यान से पढ़ें कभी भी, क्योंकि इसमें गलत कारण पूछा है। तीन कारण इसमें सही होंगे जो कांस्य युग के पतन के लिए जिम्मेदार थे, बाकी एक कारण इसमें अलग है जो गलत है, जो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वहीं आपका उत्तर होगा। तो इसमें अनेक शहरों का उदय और विकास एकमात्र ऐसा कथन है जो गलत है, बाकी खानाबदोश, लुटेरों के आक्रमण, जनसंख्या में वृद्धि जिसके फलस्वरूप शहरों पर दबाव बढ़ा, उत्पादक और अधिकार जमाने वाले दो विभिन्न वर्गों का उदय, ये तीनों ही कांस्य युग के पतन के सही कारण हैं। और गलत उत्तर है, गलत कारण है वो है अनेक शहरों का उदय और विकास, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें गलत कारण आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अभी, यजुर्वेदिक काल कब से कब तक है ये पूछा गया है। यजुर्वेदिक काल है 700 से 400 वर्ष ईसा पूर्व, ये आपका 9th का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है।
यदुवैदिक काल 700 से 400 ईसा पूर्व वर्ष ईसा पूर्व रहा है। नंबर 10 पे आते हैं, सार्वभौम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। सार्वभौम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सुश्रुत संहिता ये क्या है? सुश्रुत संहिता एक शल्य चिकित्सा ग्रंथ है। 11 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तारे में ऊर्जा स्रोत प्रदान किया जाता है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आंसर नंबर 4 आपका सही होगा। तारे के कोर में जब हाइड्रोजन नाभिक आपस में संगलित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं तब तारे में ऊर्जा स्रोत प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसके प्रयोगों से रासायनिक विकास के सिद्धांत की पुष्टि हुई है? तो मिलर के प्रयोगों से रासायनिक विकास के सिद्धांत की पुष्टि हुई है। मिलर ने प्रयोग किए थे जिससे रासायनिक विकास के सिद्धांत की पुष्टि हुई है, ऑप्शन नंबर 1 सही था आपका। क्वेश्चन नंबर 15, आकाशगंगा किसका संग्रह है? आकाशगंगा तारे गैस और धूल के बादल, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आकाशगंगा तारे गैस और धूल के बादलों का ही संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन प्रथम औजार निर्माता था? तो होमो हैबिलिस ने सर्वप्रथम औजार बनाया था, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। होमो हैबिलिस प्रथम औजार निर्माता होमो हैबिलिस थे। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17, जीवाश्मों की आयु कैसे निर्धारित की जा सकती है? जीवाश्मों की आयु रेडियो कार्बन निकाल निर्धारण द्वारा निर्धारित की जाती है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सबको समाहित किए हुए है और जीव को भार से प्रभावित करता है? तो वायुमंडल है, 18 का ऑप्शन सॉरी इसमें वायुमंडल नहीं पर्यावरण, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण सभी को समाहित किए हुए है यानी कि एनवायरमेंट और जीव को भार से प्रभावित भी करता है। अभी क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का पता किसने लगाया? तो मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का पता हार्वे ने लगाया, ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक से मृत पौधों और प्राणियों पर अपने अस्तित्व के लिए प्रक्रिया करते हैं अपघटक। क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने प्रस्तुत किया था, डार्विन इसमें सही उत्तर है आपका। कोपरनिकस की क्रांति इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। सौरमंडल का एक ऐसा मॉडल जिसमें सूर्य केंद्र में था और पृथ्वी समेत सभी ग्रह उसके चारों ओर घूमते थे, इसे कोपरनिकस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस तकनीकी आविष्कार से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी? इसमें पूछा गया है कौन से तकनीकी आविष्कार से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 23 इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, यांत्रिक घड़ियों से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी। बाकी सारे तकनीकी आविष्कार ऐसे थे जिनसे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, लेकिन यांत्रिक घड़ियां एकमात्र ऐसा था जिससे शुरू नहीं हुई थी इस ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 24, कलकत्ता बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई? कलकत्ता बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 25 में 3 कथन सही है, 1 गलत है, उसको फाइंड आउट करना है। तो 25 का आहार श्रृंखला में हरे पौधे उत्पादक होते हैं सही कथन है, ये भी सही है। नाइट्रोजन स्थायीकर जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करते हैं सही कथन है। SO2 जिंक जैसी धातुओं को संचारित करता है, ये भी सही है। अब बच गया ऑप्शन नंबर 4, कोई भी सजीव प्राणी अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ये गलत है, मतलब सही उत्तर ये होगा क्योंकि इसमें पूछा कि कौन सा कथन गलत है। श्रीमद् भागवत के रचनाकार कौन थे? श्रीमद् भागवत के रचनाकार 26 का व्यास जी ने ये लिखा था, श्रीमद् भागवत के रचनाकार थे व्यास जी। अभी क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है?
तो इसमें एक विकल्प गलत है, बाकी तीन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है इसमें, क्योंकि डीएन वाड़िया ने सांख्यिकी का सिद्धांत नहीं दिया था। बाकी जेसी बोस पादप क्रिया विज्ञान सही है, सी वी रमन प्रकाश प्रकीर्णन, एस एन बोस मूल कणों का अध्ययन, ये तीनों सही हैं। एक आंसर नंबर डी यानी कि चौथा गलत उत्तर है, तो इसमें गलत विकल्प पूछा है, इसलिए आंसर नंबर 4 आपका सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। 28वां क्वेश्चन पे आते हैं, विज्ञान के भंडार से संबंधित कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, तो इसमें जो गलत है पहले पढ़ते हैं सारे, यह है एक लगातार चलने वाली कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। सही उत्तर है, सही कथन है, विज्ञान अटल नहीं होता, यह अपने आप को सुधारने वाला उद्यम है, ये भी सही है, विज्ञान वस्तुपरक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही उत्तर है, क्योंकि इसमें गलत कथन पूछा है, तो यही एक गलत कथन इसमें है कि विज्ञान वस्तुपरक नहीं है, बाकी तीनों कथन सही हैं। 29 का आते हैं, ध्वनिकी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, ध्वनिकी, तो इसमें ये ध्वनि का अध्ययन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि ध्वनि का अध्ययन है, ध्वनिकी। क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रकाश वर्ष में कितनी जो किलोमीटर होते हैं, कितनी दूरी है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में। एक प्रकाश वर्ष में 9×10^12 किलोमीटर आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, तारों या तारों से बने समूहों से बने नमूनों को क्या कहते हैं। तारे या तारों से बने समूहों से बने नमूनों को हम तारामंडल कहते हैं। कैपलर के अनुसार ग्रहों की कक्षाओं का आकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कैपलर के सिद्धांत के अनुसार ग्रह की कक्षाओं का आकार दीर्घवृत्त होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अभी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें तीन कथन गलत हैं, एक सही कथन है, सही कथन को हमें फाइंड आउट करना है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे आप देखने में पता चल रहा है कि नवीकरणीय संसाधन कभी भी खत्म नहीं होते हैं, तो ये सही कथन है इसमें, बाकी तीनों कथन गलत हैं, आप देख सकते हैं इनको पढ़कर भी। अभी क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक भोजन है, जो विटामिन कार्बोहाइड्रेट वसा और लिपिड में से कौन सा भोजन है जो संरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 34, तो विटामिन संरक्षक भोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर है केरल, केरल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था, बाकी हड़प्पा लोथल मोहनजोदड़ो ये सभी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के भाग थे। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का तरंग दैर्ध्य का परिसर जिसे हम आंखों से देख पाते हैं वो कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 4×10^7 मीटर से 8×10^-7 मीटर तक विद्युत चुंबकीय विकिरणों का तरंग दैर्ध्य है जो हम नंगी आंखों से देख पाते हैं। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर से तीन कथन सही हैं, एक कथन गलत है, गलत कथन को हमें फाइंड आउट करना है। 37 ऑप्शन नंबर 1, 6 किरणें गर्म वस्तुओं से निकलती है, पहला इसमें गलत है, यानी कि ये सही उत्तर होगा आपका, बाकी तीनों सही नहीं है क्योंकि तीनों कथन सही हैं, इसमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, यदि तारे का द्रव्यमान 8m से 15m तक है तो निम्नलिखित बनता है। तारे का द्रव्यमान इस रेंज में दिया गया है तो ये क्या बनता है, इसमें पूछा गया है कौन सा तारा होगा या क्या होगा, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें न्यूटन तारा का जो द्रव्यमान है वो ये मैच होता है, तो न्यूटन तारा ये बनता है। तरंग दैर्ध्य के मापन की इकाई क्या है, तो तरंग दैर्ध्य के मापन की इकाई आप देख सकते हैं मीटर है, क्योंकि ऊपर अभी क्वेश्चन में भी मीटर में दिया गया था, इसके मापन की इकाई मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, 40वां क्वेश्चन है, सूर्य के वायुमंडल की भारी सतह को प्रभामंडल कहते हैं, बुध पर वायुमंडल नहीं है, बुध के 2 उपग्रह हैं, पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो 40 का आंसर नंबर 3 सही है, क्योंकि बुध के 2 उपग्रह नहीं होते हैं, तो यही कथन गलत है, गलत इसमें पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस खमीरीकरण के दौरान नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 41, तो इसके दौरान मीथेन गैस नहीं बनती है। 42, सड़ते हुए भोजन और कार्बनिक पदार्थों से जीव उत्पन्न होते हैं का सिद्धांत है। 42 नंबर, तो स्वतः जनन का सिद्धांत है ये, सड़ते हुए भोजन और कार्बनिक पदार्थों से जीव उत्पन्न होते हैं, ये स्वतः जनन का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 43,
एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 43। तो एड्स विषाणु वायरस के कारण होता है, 43 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। जीवों के पर्यावरण से परस्पर क्रिया के अध्ययन को हम इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी कहते हैं। आहार श्रृंखला के निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 45, पौधा उसके बाद आएगा, कीट, मछली और आदमी, तो इसमें कीट सही है, 45 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से जीव हैं जो एक से ज़्यादा पोषण स्तरों में रहते हैं? तो एक से ज़्यादा पोषण स्तरों में यहाँ पे जो दिए गए हैं इसमें से मनुष्य रहता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। समुंदर, 47 फिंदा ब्लैंक्स हैं। समुंदर पृथ्वी का सबसे बड़ा व घना पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 48, फिल इन द ब्लैंक्स है, पृथ्वी की सतह से लगभग 25 किलोमीटर पर फिल इन द ब्लैंक्स की परत पर की परत सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों की भारी मात्रा में सोख लेती है किरणों को, तो इसमें 48 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, ओजोन परत, ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 3 विकल्प सही है, 1 गलत है, हमें गलत बताना है। तो इसमें महासागरीय जलराशि जिसमें भरपूर पोषक पदार्थ होता है और जो प्लवकों की अनेक किस्मों को आश्रय देती है पीली दिखाई देती है, ये कथन गलत है, यानी कि सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, बाकी 3 इसमें नहीं आएंगे क्योंकि इसमें गलत कथन पूछा है और गलत कथन है ऑप्शन नंबर 4 आपका। अभी क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें फिर से आपको तीन इसमें सही दिए गए हैं, 1 गलत है, तो 50 होगा। इसमें 2 क्वेश्चन इसमें आपके 2 विकल्प गलत हैं वो आपके पूछे हैं, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन हमें गलत है, पहला ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी तीनों इसमें सही लग रहे हैं। इस क्वेश्चन में मैं कमेंट में बताऊंगा क्योंकि इसमें भी डाउट है थोड़ी सी, तो इसको मैं क्लियर करके आपको कमेंट में बताऊंगा, तो आप इसमें कमेंट में ज़रूर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 51, स्कर्वी बीमारी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? 51, स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होती है। निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने लेंस के माध्यम से छोटे जीवों को देखा? 52, इसका आंसर नंबर 2 है, लीवेनहॉक ने सबसे पहले लेंस के माध्यम से सूक्ष्म जीवों को देखा था, 52 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 53, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी, ये थोड़ा इसमें ज़्यादा बोल्ड है तो इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करते हैं क्योंकि इसमें विजिबल नहीं है, तो इंग्लिश वर्जन से इसको रिफ़र करके हम कर पाएंगे, तो इस पेपर की PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, लेकिन इसका आंसर नंबर 3 है, पीलिया। शोर की तीव्रता किससे मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 54, शोर की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 55, ऑप्शन नंबर 1, जीवों पर विकिरण के अधिक मात्रा पड़ने पर बहुत से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, यही कथन इसमें सही है, यह कथन इसमें सही है, सुपोषण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 56, सुपोषण शैवाल प्रस्फुटन के कारण होता है, सुपोषण, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 57, भोपाल दुर्घटना का संबंध किससे है? तो भोपाल में आप सभी को पता है कि गैस उसमें से वातावरण में फैली थी, तो 57 नंबर का मिथाइल आइसोसाइनाइट वाष्प से संबंधित है भोपाल दुर्घटना, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 58, कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो इसमें नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 58 का पानी ही इसमें नवीकरणीय संसाधन है। नाभिकीय रिएक्टर उत्पादन किसका करता है? 59, नाभिकीय रिएक्टर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है। फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 60, फ्लाई ऐश का सीमेंटिंग पदार्थ के रूप में किया जाता है प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत दांत के लिए अनिवार्य है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, कैल्शियम मजबूत दांत के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है? क्वेश्चन नंबर 62, तो 62 का इसमें नंबर 2 ऑप्शन सही है आपका, हैजा इसमें असंक्रामक रोग है जो संक्रमित होने से नहीं फैलता है, बाकी मधुमेह, एड्स और मलेरिया संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी सभ्यता नील घाटी
नील नदी घाटी के आसपास अस्तित्व में आई? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर नंबर 4 होगा, मिस्र सभ्यता नील घाटी नदी के आसपास अस्तित्व में आई। क्वेश्चन नंबर 64, जीवाश्म ईंधन का निर्माण फिल इन द ब्लैंक्स चक्कर का हिस्सा है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण कौन से चक्कर का हिस्सा है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जल। 64 ऑप्शन नंबर ए कार्बन चक्कर का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश की घोषणा किस वर्ष में की गई? 1974 में। विकासशील देशों के प्रशिक्षित मानव संसाधन का बेहतर अवसर, आर्थिक लाभ व रोजगार के लिए विकसित देशों में पलायन की परिघटना क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 66 और आप्रवास कहलाती है। पलवमान कार्यों और दर्वस्थैतिक अध्ययन में योगदान के लिए किस वैज्ञानिक को आज भी याद किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 67, तो इसमें आर्किमिडीज हैं जिनको आज भी याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, अर्थशास्त्र पुस्तक में राज्य और उसकी नीति का प्रतिपादन करने वाले कौटिल्य किस राजा के मंत्री थे? 68 इसमें चंद्रगुप्त के मंत्री थे। अर्थशास्त्र पुस्तक में राज्य और उसकी नीति का प्रतिपादन करने वाले कौटिल्य चंद्रगुप्त के मंत्री थे। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाला जो जिसको मॉडरेटर बोलते हैं वो क्या है? इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। 69 इसमें आपका उत्तर आएगा, जो ग्रेफाइट है वो मॉडरेटर के तौर पर यूज किया जाता है, विमंदक जिसे कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 70, मानव क्षमता इंजीनियरिंग किसका अध्ययन है? तो मानव क्षमता इंजीनियरिंग कार्यस्थल पर व्यक्ति की दक्षता का अध्ययन है। 18वीं शताब्दी के आरंभ में राजा जयसिंह ने किन स्थानों पर प्रेक्षणशालाओं की स्थापना की थी? 71 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली, जयपुर और उज्जैन में 18वीं शताब्दी के आरंभ में राजा जयसिंह ने प्रेक्षणशालाओं की स्थापना की थी। तंत्रिका प्रेषित्र न्यूरोट्रांसमीटर किस चीज़ की इकाई है? 72 ये एक रसायन है जो संदेश को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाता है। तंत्रिका प्रेषित्र न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से इसमें इसको जाना जाता है। ये एक संदेश को एक दूसरे संदेश तक दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है एक न्यूरॉन से, और ये एक रसायन है, केमिकल है। अभी क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है? 73 का इनसेट पहला उपग्रह है। 74 पूर्व के किस तकनीकी शुरुआत का पश्चिम में अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो इसमें भी कागज एवं मुद्रण प्रिंटिंग का पश्चिम में अत्यधिक प्रभाव पड़ा। क्रांतिकारी आंदोलन पुनर्जागरण कब शुरू हुआ था? 75 आंसर है 1440 से 1540 ईस्वी तक क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि पुनर्जागरण शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसमें कंपास आएगा, दिक्सूचक 76 का ऑप्शन नंबर 3 है जिसका उपयोग दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। वृत्ताकार डीएनए अणु क्या कहलाता है? 77 ये प्लास्मिड कहलाता है। वृत्ताकार जो होता है डीएनए अणु उसे प्लास्मिड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 78 बौद्धिक स्तर को नापने का अभिप्राय है व्यक्ति की मानसिक आयु को नापना, ये कथन इसमें सही है। 79 अलीगढ़ वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की? 79 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 80, पियाजे के मानसिक सिद्धांत के अनुसार 11 वर्ष और उससे अधिक वर्ष के बच्चे परिकल्पनात्मक स्थितियों का प्रयोग करके सोच वितर्क वितर्क कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 81, ग्रह कक्षाएं दीर्घवर्तीय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 82, बैंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 82 तो इसमें जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी बैंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 83, प्रतिवर्त किससे संबंधित है? तो प्रतिवर्त परिधीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। विशिष्ट कार्य करने के लिए एकल चिप पर बनाई जाने वाली अधिकांश अर्धचालक युक्तियां क्या कहलाती हैं? तो 84 का आंसर है आपका 2, एकीकृत परिपथ के नाम से जाना जाता है। विशिष्ट कार्य करने के लिए एकल चिप पर बनाए जाने वाले अधिकांश अर्धचालक युक्तियों को एकीकृत परिपथ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 85, शुक्र और अरुण ग्रह के अलावा सभी ग्रह अपने अपने अक्षों पर किस दिशा में घूमते हैं? 85 सभी वामावर्त घूमते हैं। 85 का आंसर नंबर 4 सही है। 86 फिल इन द ब्लैंक्स है, लेजर प्रकाश का गुणधर्म है। तो सन
संस्कता लेजर प्रकाश का गुणधर्म है। 86 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 87 आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से गलगंड नाम का रोग होता है। अश्रुओं और लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कीटाणुओं को नष्ट करता है क्या कहलाता है? तो इसे लाइसोजाइम के नाम से जाना जाता है। 89 दुमटी गठन शुष्क संगठन और भिन्न भिन्न स्थानों पर मोटाई में परिवर्तनशीलता और अत्यधिक उपजाऊपन निम्नलिखित में से किस मिट्टी की विशेषताएं हैं? दुमटी गठन शुष्क संगठन और भिन्न भिन्न स्थानों पर मोटाई किस मिट्टी की विशेषताएं हैं और इसके साथ साथ अत्यधिक उपजाऊपन और परिवर्तनशीलता भी होता है? तो 89 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, ये अल्यूवियल मिट्टी की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 90 वायुमंडल गैसों में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत होती है? तो वायुमंडलीय गैसों में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो आपकी 79% होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 91 खालिस्तान क्षेत्र के अलावा वन विश्व भर में व्याप्त हैं? ध्रुवीय क्षेत्र के अलावा। आंसर नंबर 3 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रह प्रभाव का परिणाम है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता है वो पूछा गया है। 92 ऑप्शन नंबर 2 सही है, भूमि और जल के तापमान में वृद्धि होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट से। 93 निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का घटक नहीं है? 93 तो इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का घटक नहीं है। खरीफ फसलों के उदाहरण इसमें पूछे 94 का आंसर नंबर इसमें चावल मक्का रागी और गेहूं, ये दोनों खरीफ की फसलें हैं। दोनों ऑप्शन हैं जो चारों फसलें, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें आपका सही है। बाकी ज्वार बाजरा रागी जो रही राई और जई ये सब रबी की फसलें हैं। पौधे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं? तो पौधे 95 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं, अलग अलग प्रेक्षणों और प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के बीच संबंध क्या कहलाता है? 96 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97 प्रौद्योगिकी नीति निवारण सरकार द्वारा किस वर्ष में जारी किया गया? तो ये 1983 में जारी किया गया था, प्रौद्योगिकी नीति विवरण सरकार द्वारा 1983 में जारी किया गया। चाय और सुपारी किस प्रकार की फसलों के उदाहरण है? 98 चाय और सुपारी रोपण फसलों के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी भावी संचार तकनीक नहीं है? 99 तो टेलीफोन भावी संचार तकनीक नहीं कही जा सकती। निम्नलिखित में से कौन सा भावी योजनाओं में शिक्षा और मीडिया का घटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 100 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, सभी माध्यमिक विद्यालयों को मोबाइल फोन प्रदान करना भावी योजनाओं में शिक्षा और मीडिया घटक नहीं है। तो ये हमने कवर किए, वैसे जनरली मैं इंग्लिश में कवर करने वाला था लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम में कवर करने की कोशिश की है। इसमें लगभग क्वेश्चन आपके सही हैं लेकिन एक या दो क्वेश्चनों में मिस्टेक हो सकती है जिसके लिए AIS एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन और एस्टिमेटेड आंसर मिल चुके हैं, अभी आप लोग अपनी बुक से पढ़ के इनके सही आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें 95% से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें सही मैंने किए हैं। एक दो क्वेश्चनों में डाउट है उसके मैं कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा सही उत्तर। और उसके अलावा AIS एजुकेशन के अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ ताकि आप उसमें ज्वाइन हो सके। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे एक ही ग्रुप में ज्वाइन हो, टेलीग्राम ग्रुप में सभी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं क्योंकि वो एक ही ग्रुप है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप डिफरेंट होते हैं जिसमें लिमिट होती है 257 की, तो उसमें जो स्टूडेंट हमारे एक ग्रुप में है वो दूसरे ग्रुप में ज्वाइन ना करे, वो सिर्फ एक ग्रुप में ही ज्वाइन करे ताकि उसमें अदर स्टूडेंट्स भी एड ऑन हो सकें। तो ये क्वेश्चन पेपर हमने FST 01 का जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन का हिंदी मीडियम में हमने सोल्व किया जो कि अभी सेप्टेम्बर अक्टूबर के महीने में 2020 में कंडक्ट किया गया था। तो ये डिटेल्स थी, तो आप हमारे चैनल AIS एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर देना भूले ताकि इग्नू से जुड़े जो भी अपडेट्स हम अपलोड करें आप लोगों तक पहुंच सके।